दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक है स्वागत है, नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर ये हमारा एक मोटिवेशनल वीडियो है आप सभी के लिए। काफी स्टूडेंट्स का ऐसे में कहना था जो व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करके फेसबुक पर इस बात को लेकर के वो काफी परेशान थे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आपके सुपरटेट की अगर हम बात करें तो ऐसे में यहाँ पर लगभग 4 साल बीत चुके हैं लेकिन एक नई शिक्षक भर्ती अभी तक देखने को नहीं मिली है। ऐसे में आप भी उनमें से एक हो सकते हो जो ऐसे में इन परेशानियों से इस दौर से गुजर रहे हो, तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा, हो सकता है कुछ काम की बात आपको यहाँ से मिल जाए और आप ऐसे में फिर से एक बार अपने आप को देना कि फिर से अपने आप को रीस्टार्ट कर लेना, अपने आप को शुरू करना, एक बार फिर से आप अपने काम में, एक बार फिर से आप अपनी पढ़ाई में जुट जाए। यहाँ पर आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा जब हम बात करते हैं आपके बीटीसी डीएलएड को लेकर के। पहले बीटीसी था आपका, बाद में 2017 बैच से अगर मैं बात करूँ तो इसी को हम लोग डीएलएड कहने लगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलने लगे ऐसे में। और उस 17 बैच से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल, अभी मैंने महेश अकेडमी नाम उसका कर दिया है, आप सभी को वहां पर क्लासेस वहां से देते चले आ रहे हैं। बीएड वाले भी स्टूडेंट हैं जो काफी यहां से पढ़ते रहे हैं जब हम यूपीटेट सीटेट की बात करते हैं। ऐसे में पहले के टाइम की अगर बात की जाए, लगभग आज से आप लगभग 10 से 12 12 साल पहले देखोगे तो आपका यूपीटेट सीटेट की अगर हम बात करें, यूपीटेट ये टेट परीक्षा नहीं थी, आपका सुपर टेट का कोई एग्जाम नहीं था। आप बीएड पास हो, आप बीटीसी आपने क्वालिफाई किया हुआ है, चूंकि उस समय डीएलएड नहीं, डीएलएड आपका 17। तो ऐसे में फिर उसके बाद आपकी नौकरी लग जाती थी। कॉलेज भी आपके जो प्राइवेट वाले होते हैं इस समय बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, सीटें भी खाली हैं, तो वो होते नहीं थे ऐसे में। केवल आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करो, जो बीटीसी में 10,000 समथिंग सीटें हैं वो होती थी, बीएड में आपके कुछ प्राइवेट कॉलेज मिल जाते थे। पहले आसान था, 10-12 सालों में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, आगे 10-12 सालों में भी आपके आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं है। ये 4 साल में जो भर्ती देखने को नहीं मिली है, मुद्दे पर आते हैं, जो भर्ती देखने को नहीं मिली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीट्स नहीं है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हम आपको बता दें, यहाँ पर सरकार ने ही इस बात को स्वीकार किया हुआ है। जब हम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, 51,112 पद, आपने इधर भी देखा होगा जब शिक्षक छात्र अनुपात की बात करते हैं तो उसमें भी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, वो जो डेटा है, वो जो रियल डेटा है, वो जो गवर्नमेंट का एक ऑथराइज डेटा है, वो भी यही कहता है कि सीटें जो है वो खाली है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जो नई शिक्षक भर्ती है वो क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसे में आप सभी को भी बहुत अच्छे से पता है कि जब हम पॉलिटिक्स राजनीति की बात करते हैं तो वो कुछ अपने हिसाब से चीजों को, काम को कर रहे होते हैं। यहाँ पर अभी तक था विधानसभा चुनाव आएगा तो भर्ती आएगी, विधानसभा चुनाव आया, 17,000 कुछ पदों को लेकर के लगभग 20,000 पदों के बारे में बात की गई, लेकिन चुनाव भी आपका चला गया यूपी में और फिर से नई भर्ती जो है वो देखने को नहीं मिली। अब आपका लोकसभा चुनाव है, ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव, कहते हैं ना कि एक उम्मीद पर दुनिया का भी ऐसे ही, आपको भी ऐसे ही आशा, ऐसे ही उम्मीद बना के रखना है कि वो चीज आपको देखने को मिलेगी जरूर। देर है, अंधेर नहीं है, ये भी आप कह सकते हो। आपका जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, संभव है कि आपको 2023 में कुछ चीजें देखने को मिल जाए। यहाँ पर ये भी कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, वो ये बोल सकते हैं कि मैं या और बाकी जब हम टीचर्स की बात करते हैं यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं, वो बहुत दिनों से ये बात बताते आए हैं, विधानसभा से बोलते आए हैं कि ये चुनाव आएगा तो भर्ती आएगी, वो आएगा तो आएगी। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम, तो आप भी ऐसे ही चलते रहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी आपका नई शिक्षक भर्ती अगर आ जाती है तो ऐसे में क्या आपने अपने आप को, खुद को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है इसके लिए? मान लो सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया 2 महीने में आपकी परीक्षा होनी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भर्ती आएगी जरूर, हो सकता है कुछ चेंजेस के साथ में आए, जैसा कि ये कहना था कि शिक्षक वीर हो सकता है बन के आए, अभी कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, बट भर्ती आएगी जरूर, तो आएगी तो है ही, लेकिन ऐसे में क्या अपने आप को आपने तैयार करके रखा हुआ है? एक लकड़हारे की अगर मैं बात करूं तो अपने कुल्हाड़ी को वो अपने घर से यहीं से पैना करके जाता है, लकड़ी काटने जाएगा, वहां पर जाकर के वो पैना नहीं कर रहा हो, पहले से तैयारी करके रखता है। तो आपने अपनी तैयारी किस हद तक कर रखी है, आपकी तैयारी कितने हद तक है, क्या आप सक्षम हो? अगर आपको अभी 2018-19 का क्वेश्चन पेपर 150 सवाल सुपरटेट शिक्षक भर्ती के आपके सामने रख दिए जाए तो कितने क्वेश्चन आप उसमें से सही कर सकते हो? एक बार अपने आप से सवाल पूछिएगा, बिल्कुल से कुंठित
एक तरीके से कुंद मत होने दीजिए अपने दिमाग को ऐसे में, कहीं ना कहीं जो भी क्लासेस चल रही हैं इतनी सारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती हैं उन्हें आप पढ़ा करिए, पढ़िए जरूर, एक घंटा ही पढ़िए, डेढ़ घंटा ही पढ़िए, पढ़िए जरूर, ये आदत खत्म नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि निरंतरता बहुत जरूरी है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, अगर आपने उसे छोड़ा तो हो सकता है कि जो पढ़ाई है वो आपको छोड़ दे। एक कहावत भी है ऐसे में, चीजें होंगी, थोड़ा समय ले रहा है, हम समय की बात करते हैं, समय परिस्थितियां बोलते ना कि सिचुएशन जो है वो हर टाइम जो है या हर समय एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती हैं। और एक और आपने पंक्तियां भी सुनी होंगी कि धीरे धीरे रे मना धीरे, सब कुछ हुए माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल दे। इतना भी जो है माली सिंचाई कर ले, लेकिन फल तभी आएगा जब उसकी ऋतु आएगी फल देने की, ठीक है। तो धीरे धीरे रे मना और रे मन, समझाइए मन को कि सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। और सबसे बड़ी बात, ये तो राजनीति है भैया, यहाँ पर तो राजनीति वाली चीज है, आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ऐसे में हौसला उम्मीद बिल्कुल से खोइए नहीं, बनाए रखिए। सबसे बुद्धिमान प्राणी आप माने गए हो इस धरा को लेकर के अगर हम बात करते हैं, अगर आप ऐसे में हिम्मत हार गए, हाँ जी, तो फिर हम किसको बोलेंगे कि नहीं आपसे ज्यादा वो बुद्धिमान, या फिर आप तो ऐसे में बुद्धिमान नहीं कहलाए। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, आप सबसे हौसला रखिए, ऐसे में सबसे बुद्धिमान आप जीव हैं, बुद्धिजीवी जो भी कह लें आप अपने आप को ऐसे। तो हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, शिक्षक भर्ती आएगी जरूर। सबसे बड़ी चीज है कि आप उसके लिए किस हद तक तैयार हैं, किस हद तक आप तैयारी कर रहे हैं उस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी है, अभी पीईटी का कई बच्चों ने फॉर्म भरा है। आप जरूरी नहीं कि लेखपाल बन जाओ या कोई अधीनस्थ आपका लोअर कोई क्लर्क बन जाओ आप ऐसे में जा करके, लेकिन आप सिलेबस देखे होंगे, आपकी तैयारी तो एटलीस्ट रहेगी, आप करंट अफेयर्स तो पढ़ रहे होगे ना, आप जीके जीएस तो पढ़ रहे होगे, बड़ा सेक्शन जो उसका, आप गणित तो पढ़ रहे होगे एटलीस्ट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप जो है उस मुख्य धारा में बने रहेंगे, वही मुख्य धारा में अगर आप ऐसे में बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो भर्ती आए और आप एक ही बार में निकल जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अब ये भी है कि ऐसे में अभी जो समय चल रहा है इसको कैसे निकाला जाए, काफी सारे सुझाव थे। कई बच्चे हैं जो YouTube पर कुछ क्लासेस देने लगे, कुछ पढ़ाने लगे वहां पे, कई हैं, कईयों ने जो है ऐसे में प्राइवेट स्कूल को जो है ऐसे में ज्वाइन कर लिया। एक और वीडियो में लेकर के आऊंगा आपको, मैं उसमें जरूर बताऊंगा कि आप इस ड्यूरेशन में ये जो खाली दौर है ऐसे में इसमें आप क्या कर सकते हैं। दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, ये भी जरूरी है यहाँ पर ध्यान देने की जो है कि जरूरी नहीं आप YouTube पर आए और दो चार वीडियो आपने डाले और सोच लो बस यार तुरंत हमारा काम होने लगे, हमारा जो एक दैनिक दिनचर्या जो जीविकोपार्जन वाली चीज है वो चलने लगे। तो उसमें भी आपको समय देने की जरूरत है, समय देना पड़ेगा। 2015 में ये YouTube चैनल हमने बनाया, आप समझ रहे हो, और इससे जो भी अगर हम दो चार पैसे आने की बात करें तो वो आपका 2017 के मिड से आने लगा, 2.5 साल इंतजार करना पड़ा, आप इस चीज को समझ रहे हैं। इंतजार यानी आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए, चीजें होंगी जरूर, इस चीज को याद रखिएगा। आप ये भी कर सकते हो, जो आपके आसपास के स्कूल हैं, आप सबसे बड़ी चीज आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, इतना कुछ आप पढ़े लिखे हो, आप ट्यूशन अभी पढ़ा सकते हो। कुछ और डिटेल्ड वीडियो के साथ में हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे, फिलहाल के लिए उम्मीद आशा करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रेनफोर्स किया होगा ये वीडियो, पुनर्बलित किया होगा, मोटिवेट किया होगा ऐसे में, या आप महाराज चाहे एक डेढ़ घंटे ही दो लेकिन पढ़ाई करो जरूर। मिलेंगे हम आपसे एक और वीडियो के साथ में जल्दी ही, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।